हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरती अमित जायसवाल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी किचन में फिनाइल बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में नीम का टाइल्स क्लीनर यानी फिनाइल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम साफ पत्तियों को, नीम की साफ पत्तियों को लेंगे। हमें इसमें ख़राब पत्तियाँ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अब हम पानी लेंगे। पानी मैंने यहाँ 5 ग्लास लिया है और इस पानी को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स, हमें इसमें किसी भी तरह का पानी चलेगा। पानी गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने इसको ढककर रख दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस समय हम इसमें ये नीम की पत्तियाँ डालेंगे। नीम की पत्तियाँ हमें एकदम साफ़, एकदम वॉश करके हमें रखनी है, क्योंकि नीम की पत्तियों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो हमें अच्छे तरह से इनको साफ़ करके रखना है। अब हमें नीम की पत्तियों को इतना बॉईल करना है कि हमारा पानी 1/4 हो जाए और नीम की पत्तियाँ अपना सारा कलर उस पानी में छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, हमें गैस को तेज फ्लेम पर करना है और पानी को अच्छी तरह से बॉईल होना है और नीम की पत्तियों का सारा कलर पानी छोड़ दे, इतना हमें इसको बॉईल करना है। फ्रेंड्स, फिनाइल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जितने सारे बर्तन हम यूज कर रहे हैं फिनाइल बनाने में, उतने सारे बर्तन को हमें अच्छी तरह से वॉश करके रखना है, क्योंकि हम फिनाइल बना रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरी पत्तियाँ अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं और इन्होंने कलर छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 2 फिनाइल की गोलियाँ डाल दूँगी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कुछ मैं इसमें थोड़े से मैं इसमें फिटकरी डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें कपूर की गोलियाँ डालूँगी। तो कपूर की गोलियाँ तो अपने घर पर मिल जाती हैं, फिटकरी भी मिल जाती है और फिनाइल की गोली भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कपूर की गोलियाँ डाल दी हैं और 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच में इसमें नमक डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में मिल जाती हैं और फ्रेंड्स, ये इन सब चीज़ों को हम जब फिनाइल में डालेंगे तो फिनाइल में जो खुशबू आएगी और जिससे ये फिटकरी से जो हमारे फ्लोर पे जो टाइल्स पे जो गंदगी जमा होगी और जो दाग धब्बे आएंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका। और जो कपूर की जो खुशबू आती है और नमक जब डलता है, अब फ्रेंड्स मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को और पानी को जो हमने ये बनाया है उसको मैं छान लूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और कपूर और नमक से हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी ख़त्म होती है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं, एक तो ये घर में बनकर तैयार हो रहा है और दूसरा इसमें कोई केमिकल भी नहीं है और तीसरा इससे वास्तु दोष है वो भी ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा फिनाइल बना है और कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं फ्रेंड्स, मेरा फिनाइल ठंडा हो चुका है। अब मेरे पास एक फिनाइल की बोतल थी खाली, तो मैं इसमें भर रही हूँ। अगर आपके पास जो भी बोतल हो खाली, आप उसमें इसको भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको हमें रात भर के लिए छोड़ना है, मतलब हमें करीबन 24 घंटे हम इसको बोतल में इस तरह से भरे हुए छोड़ देंगे। हमें तुरंत यूज़ नहीं करना है। और इसमें जो कपूर की जो गोलियां हैं उसे हम जब भी फिनाइल को यूज करेंगे